अन्याय से मुंह फेरने वाले 100 लोगों से ज्यादा उसका सामना करने की हिम्मत और समाज को सुधारने का दिल रखने वाला मुझ जैसे एक आदमी की जरूरत है इस समाज को। बेकार की बातें क्यों करते हो? आज तुम्हारा राशिफल ठीक नहीं है, आज तुम्हें मुफ्त की मार मिलेगी, यही भविष्यवाणी है। राशिफल भविष्यवाणी, इन सब बातों पे तेरे जैसे लोग विश्वास रखते हैं? मैं तो राजा हूँ, मेरे सामने अगर कुछ हुआ तो पापड़ पापड़ की तरह बेल के रख दूंगा मैं। भैया बोलिए साहब। यहाँ बड़े मियाँ टेलर्स नाम की कोई दुकान है क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है साहब, पुराने दुकानों को तोड़कर 5 साल पहले ये कॉम्प्लेक्स बना था, उससे पहले रहा हो मैं नहीं जानता। सुनिए, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मुझे भूल गए? आपको आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहले कभी परिचय था या नहीं मुझे कुछ याद नहीं। याद आए तो भी हम मानेंगे थोड़ी, प्यार करके धोखा दिया कहते हुए शर्म आएगी ना, शादी के मंडप से बिना बताए भाग आए, कमाल थोड़ी करेंगे, प्रेस्टीज की बात है ना। मैंने? हाँ आपने। तो फिर चलो। कहाँ ले जा रहे? मैं पूरी जानकारी पाना चाहता हूँ। लगता है ये रिवर्स में आ गया, अगर इसको मालूम पड़ा कि बकरा प्रोग्राम है तो हमारी धुलाई कर देगा। जो होना था सो हो गया, अब मैं गलती को सुधारना चाहता हूँ, उसके लिए लोगों के सामने इस तरह पंचायत करने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, जो होना था वो हो गया कह के तुम चलते बनोगे और हम बेवकूफों की तरह तुम्हें जाने देंगे? बच्चों वो दिन चले गए, अब हर अन्याय में मैं दखल दिया करता हूँ, अन्याय को मिटाना ही मेरा पेशा है। ये बताओ ऐसा क्यों किया था तुमने, शादी के मंडप से क्यों भाग गए थे? आई वॉन्ट आंसर ऑन द स्पॉट। देखता क्या है, मेरा हाथ उठ जाता है तो मैं शेर बन जाता हूँ, शादी के मंडप से क्यों भागे? बोलो बोलो बोलो। ऐसे क्यों पूछता है रे, इन दोनों की शादी टूटने का कारण तू ही तो है पुपू। जीजा जी, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला यही है, इसे मत छोड़िए। जीजा? हाँ जीजा जी, इसने अपनी बहन की जिंदगी के लिए मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्यों बे, अपनी मनमानी करके बीच सड़क में मुझे टोक रहा है? अभी बेहोश हो जाते हैं, बाद में मस्का मारते हैं। तेरी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए दोनों सदमे की वजह से बेहोश होकर गिर गए। किसी मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया? ठहरो, मैं हाथ उठाऊंगा तो शेर बन जाऊंगा और तुम हाथ उठाओगे तो कुछ और बन जाऊंगा। क्या करेगा बे? बिल्ली बन जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। जा, अबे जा। तूने क्या सोचा, पैर पकड़ने से छोड़ दूंगा, फैसला होने के बाद ही छोड़ूंगा, उसे उठा। साहब साहब देखिए, वो दोनों आराम से लेट के सो रहे हैं साहब, बेकार में क्यों डिस्टर्ब करें? उठाता हूँ साहब, बिगड़ते क्यों सुबह सुबह की। बहुत हो गया, घर चलो। मानता हूँ मैं टिंगू, फिर भी इतना गया गुजरा होगा कि फॉलो मी कहकर किसी के साथ भी चली जाए, वो ऐसे भी कौन सा लंबा है? ऐसा नहीं है जी। चुप कर, तेरे ऊपर से भरोसा उठ गया, साबित कर कि तू सती सावित्री है। कैसे जी? कैसे क्या, आग में कूद के जिंदा बाहर निकल के या कल सुबह का सूर्योदय रोक के? ये सब क्या है, ये कौन है? आजकल आप घर वक्त पे नहीं आते, तभी मुझे शक हुआ, इसके साथ सभी हो गया क्या? सभी जीजा जी, मेरी बहन के साथ शादी करके छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? माँ कसम तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरा घर है ना, ये बीवी नंबर 2 और मैं बीवी नंबर 1। क्यों? मैं तुझे धोखा दे रही हूँ? बेवफा, कहीं के मेरी पीठ पीछे इसके साथ रंग रलिया मना रहा है, ये मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये ले। अरे 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 ये अरे झूठ है, ये ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़, मुझ पर इल्जाम कीजिए मैडम, बस कीजिए मैडम। आदमी अगर गलती करता है तो बीवी कैसे रिएक्ट करती है ये देखने के लिए बकरा प्रोग्राम था, आपने तो कमाल कर दिया मैडम। पर मैं तो सचमुच बकरा बन गया मैडम। साफ साफ यहाँ के देखिए, वो दोनों दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाते हैं आप खुद जान जाएंगे। लीजिए, ये हमारी बीटीवी की तरफ से गिफ्ट पैक है। इतनी पिटाई मेरी हुई और तोहफा इनको। हाय डॉक्टर साहब, वो कहाँ गए? देख लिया साहब, आपने मेरी एक नहीं सुनी, दोनों मेरी खूब पिटाई करके भाग गए। नहीं कहानी सुना रहा है, कहीं तेरी पोल ना खुल जाए इस डर से, तूने खुद उन्हें भगाया होगा, सच बता। साहब मेरा तो नसीब ही फूट गया, अब तो मेरी बात मानिए। नहीं साहब, अब और मार खाने की ताकत मुझ में नहीं है। आप एक काम कीजिए, 2 तंदूरी चिकन मुझे खिलाइए, फिर जोश आ जाएगा, जितना मारना है मुझे मारिए। बिल की चिंता मत कर, पेट भर के खा, जो हुआ वो बता, बस काफी है।
माल बढ़िया है, देख लगता है साथ में दल्ला है। देखो जी वो मुझे घूर रहे हैं। क्यों नहीं घूरेंगे, तू इस तरह ओपन एयर थिएटर चलाएगी तो लोग घूरेंगे ही। मेरी तकदीर ही खोटी है, जोड़ी बराबर की नहीं है, तुम यहाँ को दल्ला समझने लगते हैं लोग। यहाँ किसी की बात तुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए सिवाय मेरी, यहाँ कोई भी तुझे दिखाई नहीं देना चाहिए सिवाय मेरे, सारे भारतवासी तेरे भाई हैं सिवाय मेरे, समझ गई? तो फिर दुबई वाले? इस तरह हद पार मत कर, सिर्फ दुबई वाले ही नहीं दुनिया भर के सारे मर्द तेरे भाई हैं सिवाय मेरे, अंडरस्टैंड? क्यों हर बात के लिए मुझ पर शक करते हैं? हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन जाऊं या तुम्हें चाट के साफ करोगे? वो काम मैं घर पे करूंगा, यहाँ तुम धोके आओ। एक्सक्यूज मी, वॉश बेसिन कहाँ है? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, फॉलो मी। हेलो, इसे अपने साथ ले जा रहे हो या? इसके पति से पूछने की जरूरत नहीं। किस लिए सर? अगर उसे बुरा लगे तो। बुरा क्यों लगेगा, धोके आ जाएगी ना। धोके आ जाएगी? ओए ये क्या कर रहा है, धोने की बात कर रहा है? मैं तेरी लाइक करता हूँ, मैं तेरी जान ले लूंगा। रुक जाओ, क्या हुआ? ये मेरी बीवी को फॉलो भी कह के भगा ले जा रहा था साला। क्यों रे, ये सच है? अगर मैं सच कहूंगा भी तो आप थोड़ी नहीं यकीन कर लेंगे। 5 मिनट और चुपचाप रहता तो ये मुझे जिंदा दफना देता। छी छी छी। ये दिमाग से पैदल है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में एक नंबर है। कौन मैं? चुप कर, इनके पैरों में गिर के माफी मांग। अच्छी बात है, मुर्दे के मारे को तो दर्द थोड़ी महसूस होगा। मुझे माफ कर दो मेरी माँ, फॉलो मी अल्फाज में इतनी ताकत है मुझे नहीं मालूम था। फिर से राशि फल सही नहीं है, कहा था तो नहीं माना ना, अब तुम्हें यकीन।